हे गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम दोस्तों की। आज अयोध्या में मेरा तीसरा दिन है और अभी हम लोग जा रहे हैं राम की पैड़ी में स्नान करने के लिए। स्नान करेंगे और जो भी सीन रहेगा वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाले हैं उसमें सारे तीर्थ स्थल जो अयोध्या के वो सब दिखा दिए हैं मैंने। वहाँ से शुरू किया था सरयू स्नान से, फिर राम की पैड़ी, फिर नागेश्वर बाबा के दर्शन, वहाँ जल चढ़ाकर, फिर तुलसी उद्यान जो है वो दिखाया था, हनुमानगढ़ी दिखाया था, कनक भवन और राजा दशरथ का महल, राम जन्मभूमि, जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सबके वीडियोज पहले मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और मैं जहाँ पे रहा हूँ उसका भी वीडियो आएगा। बहुत अच्छा रूम है और सस्ता भी है, अच्छा भी है। तो अभी आज तीसरा दिन है तो अभी हम जा रहे हैं राम की पैड़ी में स्नान करने के लिए। तो चलते हैं और पहुँच के वहाँ पर दिखाते हैं आपको सीन। आज लास्ट दिन है, आज भी घुमा देते हैं आपको अयोध्या, फिर उसके बाद हम जाएंगे। 30 तारीख को हमारी टिकट है उज्जैन, फिर महाकाल के दर्शन आपको कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अभी अयोध्या। और भाई टाइम हो चुका है 7:30 बज चुके हैं यार, आने में देर हो गई थोड़ा, काफ़ी टाइम से, आधे घंटे से ज़्यादा लग गया मुझे सिर्फ 1.5 किलोमीटर आने में, क्योंकि आपको पता है यार इतना भीड़ है यहाँ पे कि बैरिकेटर लगा हुआ है, रिक्शे वाले नहीं जाते हैं, रिक्शा वालों को नहीं जाने देते हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ है इसलिए। और पैदल ही चलना पड़ता है, ज़्यादातर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और दूर भी नहीं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं बस 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की रेंज में हैं। तो भी आ चुके हैं राम की पैड़ी में और ये पीछे गेट दिख रहा है, इसी से हम एंट्री करते हैं। तो भाई फाइनली आ चुके हैं राम की पैड़ी, ये पीछे लिखा हुआ है येलो और ब्लू कलर से और ये पूरा है सीन। यहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ रामायण की चौपाइयाँ लिखे मिलेंगी, रामायण हो रही है, भक्ति गीत चल रहे हैं, इतना मधुर मधुर सॉन्ग चल रहे हैं, ऐसा एकदम मनमुक्त हो जाता है देख के। चारों तरफ डीजे चल रहे हैं, शाम को आपको मैंने दिखाया था डीजे पर डांस हो रहा था वो भी। और ये है राम की पैड़ी और अभी हम यहीं पे स्नान करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का सीन। दोस्तों ये शायद मेरा लास्ट वीडियो ही होगा क्योंकि जितने तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो सब मैंने आपको दिखा दिए हैं पहले से ही। और अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, इसके पहले जो वीडियो आए उनमें सब मैंने दिखा दिया, बता दिया है। और ज़्यादा दूर पर भी नहीं है, क्रमवार आप घूम भी सकते हैं। सबसे पहले आप आइए यहाँ पे सरयू में स्नान करिए, राम की पैड़ी घूमिए, नागेश्वर बाबा के दर्शन करिए, इधर से जाएंगे तुलसी उद्यान मिलेगा, फिर आगे जाएंगे हनुमानगढ़ी मिलेगा, फिर आगे राजा दशरथ का महल मिलेगा, फिर उसके आगे श्री राम जन्मभूमि मिलेगी, भगवान राम का मंदिर मिलेगा। उसके बाद में वहाँ पे वो भी सीन देख सकते हैं जहाँ पे मंदिर नया वाला निर्माण हो रहा है, फिर उसके आगे है कनक भवन है, वो सारी चीज़ें मैंने कल आपको दिखा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए इससे पहले। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे, आज कल आपने देखा मैंने वहाँ स्नान किया था सरयू में, आज मैं यहीं पे करूँगा राम की पैड़ी में, वहाँ पे जहाँ पे आगे पुल बना हुआ है। यहाँ पे जो लोग नियरेस्ट के हैं वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाइक से आते हैं सारा दिन में आप घूम सकते हैं। अगर आप बाइक से आते हैं तो एक दिन में आप अयोध्या घूम सकते हैं बड़े ही आराम से। और तो भाई मैं तो ट्रेन से आया था और आज तीसरा दिन है, आज एक दिन आया फिर एक दिन पूरा घूमा और आज तीसरा दिन है। और मेरी टिकट जो थी वो यार कैंसिल हो गई, मेरी ट्रेन जो थी वो कैंसिल हो गई, अब यार बहुत ही प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे जाते हैं। तो भाई यहाँ से मुझे बस से जाना पड़ेगा, यहाँ से पहले जाना पड़ेगा फैजाबाद से फिर बस मिलेगी मुझे, बाराबंकी की मिलेगी या शायद लखनऊ की मिल जाए। अगर बाराबंकी मिलेगी तो बाराबंकी जाएंगे, फिर लखनऊ जाएंगे, फिर कानपुर जाएंगे, उधर से अपने घर जाएंगे। भाई ये सब रिस्क आपके लिए करते हैं यार, ट्रेन कैंसिल हो गई समझ सकते, नहीं तो डायरेक्ट पहुँच जाते अपने घर। बट आप सबको कोई बात नहीं, आप सबको मैं
बस यही चाह रहा था कि जाऊं अयोध्या घुमाऊं दिखाऊं और फिर मैं तो घर पहुंच ही जाऊंगा। और इसके बाद जाना है मुझे 30 तारीख को उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदौर, वो सारा चीज़ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चल रहे हैं, जल्दी से स्नान करते हैं और आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो भाई आ गए हैं अभी यहीं पे, अपन भी स्नान करेंगे। तो स्नान करते हैं उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे। स्नान कर लिए हैं राम के पेड़ में और अब चल रहे हैं, एक बार सरयू को आपको दर्शन करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। मैया की जय। अयोध्या में आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी यात्रीगण ध्यान दें, स्नान करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कहीं बैठे कहीं स्नान करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। चार आदमी है तो स्नान करें, जल वाली गेटिंग के अंदर स्नान करें, पूरा करके पूरे धाम में स्नान करते समय अपने सामान की सुरक्षा करें, पूरा स्नान करें, अपने सामान की सुरक्षा करें, अपने सामान की सुरक्षा। पूरा ध्यान दें, स्नान करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर आप लापरवाही करेंगे आपका सामान गायब होगा, आज पर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जय प्रभु भैया, जय अयोध्या राम, जय अयोध्या में आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी यात्रीगण ध्यान दें। तो भाई राम के पेड़ घूम लिया है और सामने नागेश्वर बाबा है, अभी भीड़ नहीं है, वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको सरयू भी दिखा दिए हैं और जितना सीन है वो सब आपको पहले भी दिखा चुके हैं। उसके बाद अभी हम चल रहे हैं अपने रूम में, रूम का भी वीडियो जल्दी से शूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे निकलना है फैजाबाद के लिए, फैजाबाद से बस पकड़ के बाराबंकी, लखनऊ होते हुए कानपुर, उधर अपने गाँव जाना है। और आज तीसरा दिन है, घूम लिया अयोध्या, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप सबको दिखा लिया, आप सब ने इतना प्यार दिखाया, अपना वीडियो देखा मेरा और सब लोगों ने अपना कमेंट किए, लाइक किया, शेयर किया। और अगर आप तक आपने अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़ यार, आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूँ। और ये है आखिरी बार अयोध्या जी के राम की पैड़ी के दर्शन। तो चलते हैं, जल्दी से मिलते हैं आपको रूम पर, उसके आगे का जो सीन होगा वो अभी आपको आगे दिखाते हैं। भाई यहाँ पे सरयू घाट पे यहाँ पे दो भाई लोग मिले हैं, क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव। मेरा नाम नीत कुमार गुप्ता। भाई कहाँ से हो भाई लोग? भाई हम यहीं से, अयोध्या से। अयोध्या से? तो यहाँ पे दो भाई लोग मिले, मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में और अभी जल्दी से हम सारा सामान पैक करते हैं और उसके बाद में मुझे निकलना है यहाँ से अपने घर के लिए। बहुत घूम लिए, आप सबको दिखा दिए हैं। तो अभी कुछ चीज अभी आपको दिखाएंगे यहाँ की, जैसे मार्केट वगैरह है, वहां से अभी मुझे कुछ सामान वगैरह लेना है घर के लिए, वो सब अभी आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक जल्दी से एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। टाइम उल्टा दिख रहा होगा, 9:20 हो गया, 40 मिनट बचा है मुझे चेकआउट का, तो मैं जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ। अगर आप लोग आते हैं तो रहने के लिए कहाँ पे रहेंगे, रहने के लिए कहाँ पे रहेंगे, और सस्ता अच्छा सब चीज अच्छे से होना चाहिए।
तो भाई जल्दी से बनाते हैं वीडियो कि आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे, कहाँ से सारी चीज नजदीक पड़ेंगी, तो उसके लिए मैं जल्दी से वीडियो शूट कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपको बाद में। तो फाइनली गाइस रूम से चेकआउट करने के बाद अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं अयोध्या की मार्केट, जहाँ से आप अपने घर के लिए सामान वगैरह खरीद सकते हैं, प्रसाद वगैरह घर ले जाने के लिए, वो सब चीज मुझे भी लेना है और आपको भी दिखाते हैं। और उसके बाद मुझे अभी ये नहीं पता है मैं घर कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे मेरी जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई है, यहाँ से बस से 3-4 स्टेप में करके बस से जाना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप सबके लिए करता हूँ। तो गाइस आ चुके हैं मार्केट में और यहाँ से मैं अपने घर के लिए प्रसाद वगैरह और जो भी चीज़ लेना है वो सब यहाँ से लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दिखाते हैं आपको। और जिस तरह से पहुँचेंगे घर वो भी आपको क्लिप देखने को मिलेगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं।